हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल होता क्या है और उसके कुछ फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना ज़्यादा है कि उसके सामने से लाइट भी नहीं गुजर सकता। उसके सामने से गुजरने वाली कोई भी वस्तु को वह खींच लेता है। ब्लैक होल के मैटर बहुत कंप्रेस के हालत में होते हैं। अगर हम अर्थ को कंप्रेस करके 0.7 इंच कर दे तो वो भी ब्लैक होल बन जाएगा। हमसे सबसे नज़दीकी ब्लैक होल 1.600 लाइट ईयर दूर है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सतिग्रियस है। अगर सूरज भी ब्लैक होल बन जाता है तो उसका रेडियस 3 किलोमीटर होगा। सबसे बड़ा ब्लैक होल तब बनता है जब गैलेक्सी और ब्लैक होल के बीच टकराव होता है। उस टकराव में ही सबसे बड़े ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल एक दूसरे को खींचते भी है। अगर छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल के सामने आ जाए तो वह उसे भी खींच लेते हैं। ब्लैक होल के सामने के मैटर बहुत तेज़ी से गति करते हैं। उनका वेलोसिटी लगभग लाइट के बराबर वेलोसिटी होता है। ब्लैक होल के सामने का मैटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वह होता है फ्रिक्शन के कारण। अगर हम ब्लैक होल के सामने जाते हैं तो हमारे लिए समय बहुत धीमा चलेगा और साथ ही साथ हमारा शरीर खिंचा के लंबा हो जाएगा। अगर हम ब्लैक होल के सामने 1 मिनट बिताते हैं तो पृथ्वी पे 100 साल हो चुके होंगे, क्योंकि हम सिर्फ 1 सेकेंड का अनुभव किए होंगे। मेरा मतलब 1 मिनट का, और पृथ्वी पूरे के पूरे 100 साल अनुभव किया होगा। अब हम जानेंगे ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है। ब्लैक होल तब बनता है जब एक ब्लैक होल मतलब जब एक स्टार का मृत्यु होता है। वह स्टार तभी ब्लैक होल बनने पाएगा जब उस स्टार का मास 20 सोलर मास तक रहा तो। फिर उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। उस विस्फोट में बहुत एनर्जी निकलता है। जितना एनर्जी सूर्य 100 साल में निकालता है उतना वह 1 साल में निकालता है, मेरा मतलब 1 सेकेंड में। फिर वह न्यूट्रन स्टार बन जाएगा। न्यूट्रन स्टार का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रन स्टार रेडियो वेव इमिट करते हैं और साथ ही साथ वह अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं। वह 1 सेकेंड में 500 टाइम स्पिन कर लेते हैं। अगर न्यूट्रन स्टार का मास 3 सोलर मास तक रहा तो वह न्यूट्रन ब्लैक होल बन जाएगा। फिर ब्लैक होल बनने के बाद वह कई अरबों साल तक उसी रूप में रहता है। वैसे नॉर्मल ब्लैक होल 10^12 ईयर तक जिंदा रहता है। ब्लैक होल का डेथ रेडिएशन इमिट करने के कारण होता है। ब्लैक होल जितना रेडिएशन इमिट करता है वह उतना ही छोटा होता जाता है और छोटा होते होते वह गायब हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक होल के केंद्र को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई फिजिक्स काम नहीं करता, और उसका दूसरा पार्ट इवेंट होरिजोन जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। उसके ग्रेविटी से कोई चीज़ बच नहीं सकता। सिंगुलैरिटी से इवेंट होरिजन तक की लंबाई को हम सैंडविच चाइल्ड रेडियस कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।